मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। बात करेंगे हम लिब्रा वालों की, बुर्ज मेज़ान वालों की। 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, तफसील से देखेंगे इस हफ्ते को। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो चैनल डिस्क्रिप्शन में है उनको भी लाजमी देखिएगा। हल्की हल्की हवा चल रही है और बारिश हो रही है, रात के 2 बज चुके हैं। इस वक्त में मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कैसे हम गरीब लोगों की सुन लेते हैं और इस गर्मी में हवा के झोंके को भेजकर दिलों में कमी का सबब बनते हैं। बस अल्लाह ताला से अपनी रहमतों का नजूल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी रहमतें हम पे बरसती रहें, बे औलादों को औलादे नरीना था, बेघरों को घर मिले। जो जो इल्तिजा, जो जो दुआ आपके दिल में, अल्लाह पूरी करे। एक भाई से आज बात हो रही थी कुछ चैनल के हवाले से, तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, वो कहने लगे आपके व्यूवरशिप बहुत कम है, अच्छी बातें क्या करें ताकि आपके व्यूवर्स ज़्यादा हो जाएं, कुछ मुल्क के हालात पे भी बात किया करें। मैंने उनसे कहा मेरे भाई, मेरे पास जो थोड़े बहुत लोग हैं बहुत सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं और मोतबर लोग हैं, और वो लोग हैं जो बात को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने कहा मेरे पास थोड़ी सी ऑडियंस है लेकिन पढ़ी लिखी ऑडियंस है, मुझे अपने लोगों पर फख्र है, मेरी तमाम मोहब्बतें और चाहते आपके लिए, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार। 5वें घर में जोहल बैठा हुआ है और ये आपकी सेहत के जायचे पर नजर रख के बैठा हुआ है। वैसे तो आपकी सेहत इस हफ्ते किसी बड़े इंतशार से नहीं गुजरेगी, छोटे मोटे मसाइल तो लगे रहेंगे, लेकिन आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है, आप ग्रेजुअली बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऐसे ही रहे तो इस साल को आप बहुत अच्छा बना पाएंगे। 2023 आपका साल था, उसमें आपने जो कारकर्दगी दिखाई है वो अब एतमाद आपकी जहानत में आपकी झलक रही है। आप हिम्मत और खुद एतमादी में इजाफा नजर आएगा, जिसके नतीजे में जिंदगी से जुड़े बहुत से फैसले जिनको पहले लेने में आपको परेशानी हो रही थी अब आप बड़ी आसानी से ले लेंगे, और ये बात बहुत अच्छी है आपकी। नौकरी पेशा अगर लोगों की बात करें जो सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, इस दफा वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे और यहां पे उनकी प्रमोशन नजर आ रही है, यहां पे उनका इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, यहां पे मैनेजरियल सीट जो है वो चीखे मार मार के आपको बुला रही है, वो कहती है आजा बालमा तेरा इंतजार है। इंशाल्लाह एक सुनहरी दौर का आगाज है आपका, यह हफ्ता सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। पैसा तो आप बना रहे हैं, आमदनी में इजाफा भी हो रहा है, किस्मत का सहारा भी आपको मिल रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, पैसा कमाना आसान काम नहीं है, दिलो जान लगता है, मेहनत लगती है, और ये पैसा आपके बच्चों का, आपकी बीवी की अमानत है। इसके बाद फिर कोई पुरानी मोहब्बत, को नए रिश्ते, नए लोग, नए तोहफे तहाइफ। आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे, खास तौर पर जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, खास तौर पर मैं USA की बात करूंगा, वहां पर जो भाई बैठे हुए हैं खास तौर पर जो कि बहुत अच्छी फील्ड से हैं, स्पेशली मेडिकल की फील्ड से हैं, उनके पास अच्छा पैसा है। अपने अहले खाना का आप इस हफ्ते पूरी तरह ख्याल रखते हुए नजर आएंगे, कोई मसला दरपेश होगा भी तो आप मौजूद होंगे, और यकीन माने इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि कोई मसला हो और कोई मौजूद हो। जिंदगी में हमेशा एक शख्स ऐसा बनाए जो आपका हो, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप गलत रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप सुकून में हैं, आप खुशी में हैं, आप गम में हैं, वो आपके साथ खड़ा हो।
अगर वो शख्स बेहतरीन हुआ तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन राहों पर ले जाएगा। बस ऐसे शख्स को अपने हाथ से न गवाइएगा। इस हफ्ते सियारगान की बड़ी मुबारक पोजीशन आपकी कुव्वत इरादी में इजाफा कर रही है, जिससे नई पेशेवराना जिंदगियों में आप कामयाबियों को समेटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसे मौके हासिल होने वाले हैं जिनका आपको बेसब्री से और बहुत अरसे से इंतजार था। इस हफ्ते का अगर बेहतरीन बुर्ज मैं किसी बुर्ज को कह सकता हूं तो मेजान है। चाहे जिंदगी के फैसले हो, चाहे बंदगी के, चाहे मोहब्बत की आजमाइश हो, चाहे पेशावराना बिजनेस नौकरी के हवाले से बात हो रही हो, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुमसे प्यार करूं। तालिबे इल्मों को इस हफ्ते अपनी मेहनत की जो आदत है उसको तर्क नहीं करना, मेहनत जारी रखें, क्योंकि सूरत हाल अब आपके कंट्रोल में आ रही है। बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जो बहन भाई हैं उनसे कहूँगा अपने बच्चों पर थोड़ी सी नजर रखिएगा, उनकी सोहबत थोड़ी सी आपके मुताबिक नहीं हो रही, खास तौर पर अगर आपके बच्चे दूसरे शहर या दूसरे मुल्क पढ़ने जाते हैं या वो जिसे कहते हैं कंबाइंड स्टडी करते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा नजर रखिएगा। और मैं बहुत अरसे से ये आपको समझा रहा हूँ, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है, समझे बात को। इंशाल्लाह बैरून मुल्क जाने वालों के लिए एक अच्छा वक्त है, चाहे किसी हवाले से जाना। अगर मैं तालिबे इल्मों के हवाले से बात करूं तो खुद को तैयार कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। हमें वो 1 करोड़ नौकरियां जो मिलनी थी उसके लिए तो हम अपनी डिग्रियों को साफ करके कब से रख के बैठे हुए हैं, लेकिन अब जो IT का दौर आ रहा है, AI का, ये आपको नौकरी जरूर दिलवा देगा। आप अगर किसी भी हवाले से बैठ जाना चाह रहे हैं, चाहे बिजनेस हवाले से, इमिग्रेशन हवाले से, जॉब के हवाले से, तो एक अच्छे टाइम की शुरुआत हो चुकी है। सियारगान की पोजीशन फेवरेबल है, अनटिल अनलेस के इर्द गिर्द जो सियारगान है उनकी पोजीशन आपको डिस्टर्ब ना करे, वो भी बहुत डिस्टर्ब करती है। इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता आप पाएंगे, हिम्मत और खुद एतमादी से भरपूर नई राह के मुसाफिर हैं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नंबर आपके पास आ रहा होता है, अपने मुतल्लिक कुछ भी मालूम करना तो वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। बात करूंगा स्कॉर्पियंस की बुर्जे अकरब वालों की, कि आपके लिए यह हफ्ता 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक कैसा रहेगा। हफ्ते को तफसील के साथ देखते हैं, शुरू करते हैं रब करीम के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल जानता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। साथ के अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा फरमाए, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमाए, बेघरों को घर अता फरमाए। हज और ज्यारत की जो ख्वाहिश दिल में रख के बैठे हैं अल्लाह ताला उनकी हाजात को पूरा फरमाए। जो नई गाड़ी, शादी, नौकरी इन मसाइल से दो चार हैं अल्लाह उनकी सुने। खासकर जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, नौजवान तालीम के सिलसिले में या कमाने के लिए, तालीम वाले भी कमाना ही मकसद होता है, अल्लाह ताला इस मकसद में आपको कामयाब व कामरान फरमाए। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। आज एक भाई से बात हो रही थी तो मैंने उन्हें सिर्फ एक छोटी सी बात कही, वो कहने लगे आपकी सब्सक्रिप्शन कम है, आप ज़रा वीडियो अच्छी नहीं बनाते, बहुत सी बातें उन्होंने की। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा मेरे पास जो सब्सक्राइबर है ये कम ही सही लेकिन बहुत आला पाई के लोग हैं, बहुत समझदार समझने वाले लोग हैं। मैं कहा मेरे पास लल्लू फद्दू सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे पास जो सब्सक्राइबर है ये इंतहाई मोतबर किस्म के और समझदार लोग हैं। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, और इसमें ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कुछ की रूहानियात बहुत बुलंद है, कुछ माशी तौर पर इतनी चैरिटी करते हैं, कुछ लोगों के मसाइल को इस तरह से हल करते हैं
कि अपनेपन का एहसास होता है। मैं ऐसे तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे साथ बंधे हुए हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं फ़ख्र करता हूँ आप लोगों पर कि आप मेरे ऑडियंस हैं, आप मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे इस मान को कायम रखिएगा। इस हफ्ते अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ पल अपने लिए भी निकालें, खुद को डिस्कवर करें, आपकी डिस्कवरी रहती है, खुद को ढूंढें। इकबाल ने कहा था, कोई काबिल हो तो हम शाने के ही देते हैं और ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं, आप इस किस्म के लोग हैं। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जोके खुदाई, दोनों ही मिन की ठोकर से सहरा हो दरिया, पहाड़ इनकी हैबत से सिमट कर हैराई, दो आलम से इनको बेगाना करती अजब शहर लज्जत आशनाई, आप इसके मस्ताक हैं। आपकी सेहत अच्छी है, रहेगी और बेहतरी आ रही है, सैर व तफरी करें। लेकिन अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो मैं आपको कहूँगा दौड़ने के मामले में एहतियात कीजिएगा, अच्छे जूते और जगह का इंतखाब करके ये काम कीजिएगा। सातवें घर में मुश्तरी के होने की वजह से आपकी माली हालत आपके अंदाजों से बेहतर रहेगी, बहुत से सोर्सेस से इनकम मिल सकती है, वहाँ से जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको वेल्थ मिल सकती है। ऐसे मौके पर अपना माल जमा करने की जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है, जो बैंक बैलेंस बनाने के आप चक्कर में हैं वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और ये एक अच्छी बात है। इस दौरान मुमकिन है कि आपको अपने माली हालात को मजबूत करने के लिए कुछ माली एतबार से भी फैसले लेने पड़ जाएं, लेकिन आप ऐसे फैसले लेते हुए जल्दबाजी मत कीजिएगा, कायदे पे गौर कीजिएगा, किसी फैसले पर पहुंचने से पहले और रिश्तेदारों से किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी के तनाज़े से पहले अपना वर्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर आपकी कामयाबी ज़्यादा है बनिस्बत दुश्मनों के। आपके सियारे का अरूज है बनिस्बत दुश्मनों के, पोजीशन बड़ी मुबारकान सियारकान की आपके लिए बनी हुई है। ऐसे वक्त में मैं आपको कहूँगा एहतियात का दामन मत छोड़िएगा और दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, दुश्मन को हमेशा एक लेवल ऊपर रखकर मार दीजिएगा, फिर उसके बाद उसके उठने की सकत ना रहे, ये याद रखिएगा हमेशा। हर वक्त माफ़ी का नहीं होता, कभी कभी हिसाब का भी होता है, बस इस बात को समझिएगा, उजलत नहीं करनी। आप इस वक्त रूहानियात के एक ऐसे दर्जे पर ना जहाँ आपको मुर्शिद या मेंटोर की ज़रूरत है, आप मुख्तलिफ मजहबी इवेंट्स में या मकामात पर जाते हुए और शिरकत करते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं और प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव मेट, सोल मेट, इस हफ्ते इसकी आमद आपके बुर्ज में हो रही है, नहीं तो जल्द ही होने वाली है, और ये वो शख्स है, ऐसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए वाली है, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, डम डम डेरी डम डम, समझ रहे हैं, साथ रहेंगे जन्म जन्म। तो आपकी ऐसी पोजीशन बन रही है और मैं ये बता रहा हूँ, अगर लंबे अरसे से इनसे मुलाकात नहीं हुई थी तो अब होगी, खास तौर पर 32 से 45 साल के 47 साल के जो बहनों भाई बैरून मुल्क हैं उनको लव मेट या सोल मेट मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है, चाहे आप शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा हैं, दो शादियां करके बैठे हैं, चार करके बैठे हैं, जिसने आना है उसने आना ही आना है। तालीम के मैदान में इस साल तालिबे इल्मों को माजी की गलतियों से सीखते हुए अपनी तवज्जो मरकूज करनी होगी और इसका बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा और कामयाबी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन इस कामयाबी के लिए, नए सब्जेक्ट में कामयाबी के लिए आपको हो सकता है कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़े जिनसे आप दिल नहीं मिल रहा। याद रखिएगा, इल्म मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से मिले आपने हासिल कर लेना है। इल्म तड़पता रहता है जब तक मोमिन के सीने में नहीं पहुँच जाता। कई उस्ताजा या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे मैल नहीं खा रहे, आपसे आपकी बन नहीं पा रही, लेकिन आपको पता है कि इल्मी तौर पर आपके फायदे में है, तो उनसे इल्म हासिल करें। नौकरी पेशा लोगों को अगर कहूंगा तो बेहद खुशगवार है अगर मैं कहूं कि तमाम बुर्जों में अब तक जितनी मैंने स्टडी की है इस हफ्ते की, चाहे मैंने बेबलियन से स्टडी किया है, इजिप्शियन से किया है,
चाहे मैंने माया तहजीब को देखते हुए, उनकी लोहों को देखते हुए, इल्म रजाल को देखा, या मैंने किसी भी चीज़ को देखा, जितना अच्छा ये स्कॉर्पियंस का हफ्ता बन रहा है अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, किसी और का नहीं बन रहा। मेरा भाई इस हफ्ते ये अपॉर्चुनिटी ले लीजिएगा, नहीं तो फिर तेजा सखिया राय खुदा तेरा राय बूटा लाएगा। ठीक हो गया। मैं आपको ये कहूँ कि सदका और खैरात इस हफ्ते बहुत कीजिएगा, चैरिटी तो आप कर ही रहे हैं, अपनी ज़ात को ढूंढ निकालें, मुश्तरी यहाँ पर आपके बहुत मददगार है। स्कॉर्पियंस वाला, एक्वेरियस के बाद अगर सितंबर के अंदर कुछ तबाही फेर सकता है तो वो आप, बहुत 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 बड़ा फायदा होने वाला आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास आ रहा है, कुछ भी मालूम करना इस पर वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। एंड देर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, इस बात को बस याद रखिएगा। इंशाल्लाह खालिक व मालिक बहुत बेहतर करेगा। सदका और खैरात आपने नहीं छोड़, सफ़ेद पोश लोगों से इन टर्म्स ऑफ मनी उनके मसाइल हल करें। हमें मालूम होता है कि हमारे इर्द गिर्द कौन से सफ़ेद पोश लोग हैं, देखिए कैसे आपकी मदद होगी।